वेलकम टू इंपल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर, आप देख रहे हैं इंपल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो ट्रिपल सी का है और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जितने भी प्रैक्टिकल लेक्चर डाले हैं ये लेक्चर उनका थियोरी लेक्चर है, यानी अगर आप इसे सुनते हैं तो आपका वो सारा प्रैक्टिकल स्ट्रांग हो जाएगा और आपके ट्रिपल सी के लगभग 5 से 6 नंबर के ये इसमें क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि ये सेशन में क्या है। तो हम देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले तो कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर, कंप्यूट करने वाला, यानी वर्ल्ड का कोई भी डिवाइस जो काउंटिंग करता है, जो गिनती करता है, वो कंप्यूटर कहलाता है। यानी वर्ल्ड में जो भी डिवाइसेज हैं, आपका स्केल हो गया, आपका थर्मामीटर हो गया, आपका घड़ी हो गया, वो भी क्या है, कंप्यूटर है, क्योंकि वो भी काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह वगैरह। तो जो भी काउंट करे, गिनती करे, वो क्या है, कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर, अब आप सोच रहे हैं कि स्केल कंप्यूटर है, थर्मामीटर कंप्यूटर है, वेट मशीन कंप्यूटर है, तो हमारे पास जो कंप्यूटर है, यानी आपके पास जो लैपटॉप है यानी डेस्कटॉप है, वो क्या है। तो कंप्यूटर के दो कैटेगरी होती हैं, कंप्यूटर दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जो फिजिकल वैल्यू पे काम करता है, जो फिजिकल वैल्यू को काउंट करता है, जैसे कि आपका किलो तराजू, वेट मशीन, जिसपे आप वेट रखते हो तब पता चलता है कि वो कितना वेट है। तो जो फिजिकल वैल्यू पे काम करता है, फिजिकल वैल्यू काउंट करता है, वो आपका एनालॉग कंप्यूटर है। आप अगर देखोगे तो टेम्परेचर नापता है थर्मामीटर, वो भी एक कंप्यूटर है। तो वो कैसे कंप्यूटेशन करता है, वो कैसे काउंट करता है, तो आप अगर जब तक हीट के साथ टच नहीं कराओगे या कोल्ड के साथ टच नहीं कराओगे, या कोल्ड में लेके नहीं जाओगे, हीट में लेके नहीं जाओगे, तब तक थर्मामीटर नहीं जान पाएगा कि क्या टेम्परेचर है। यानी वो भी फिजिकल वैल्यू पा रहा है, भौतिक चीजों को पा रहा है, तभी बता रहा है कि आपका क्या जो है वो क्या है, ये टेम्परेचर नहीं बता पा रहा है। तो ये है एनालॉग कंप्यूटर्स, यानी एनालॉग कंप्यूटर्स जो काउंटिंग करते हैं आपके एनालॉग फॉर्मेट में। अब होता है दूसरा हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर मतलब कि जिसका मेजरमेंट 01 के फॉर्मेट में हो। इन डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हम देखते हैं। तो हमारा जो भी कंप्यूटर है, आपके पास जो भी कंप्यूटर है, आपके पास आपका मोबाइल ही है या लैपटॉप ही है, वो चलता है करंट से, वो करंट से चलता है। और करंट के दो स्टेज होते हैं, करंट आइदर ऑन होता है या ऑफ होता है, करंट आइदर ऑन होता है या ऑफ होता है। ऑन ऑफ के फॉर्मेट में करंट चलता है, यानी हमारा करंट ऐसे चलता है, क्लियर है। ऑन को हम डिनोट करते हैं 1 से और ऑफ को डिनोट करते हैं हम 0 से। यही 10 का फॉर्मेट, यानी यही 10 जो है हमारा डिजिटल कहलाता है। यानी जिस कंप्यूटर में ये 10 से चलता है, ये हम उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अब ये करंट तो आपके फैन में भी है, बल्ब में भी है, तो हम बल्ब और फैन को डिजिटल कंप्यूटर क्यों नहीं कहते हैं, ये उससे भी तो वहां भी तो करंट चल रहा है, तो हम क्यों नहीं उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या मोबाइल है, उसे करंट के फॉर्मेट को बताया गया है, यानी उसको डिफाइन किया गया है। क्योंकि आप 101 आप ये लिखते हो तो इसका मतलब होता है 8, आप लिखते हो 10, ये समझता है यहाँ ऑन होना है, ऑफ होना है, ऑन होना है, ऑफ होना है। आपने 8 लिखा, ऑन होना है, ऑफ होना है। आपने A लिखा तो ऑन होना है, ऑफ होना है, ऑफ होना है, ऑफ होना है, ऑफ होना है, ऑन होना है। तो हमारे कंप्यूटर को हर एक कीज के बारे में बताया गया है, हर एक वैल्यू के बारे में बताया गया है कि उसकी बाइनरी यानी 01 उसकी क्या है। तो जो कंप्यूटर 01 के फॉर्मेट में काम करता है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल वैल्यू पे काम करता है और डिजिटल कंप्यूटर हमारा क्या होता है, जो कि आपके 01 के ऊपर काम करता है, यानी विच वर्क्स ऑन 0 and 1 फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। अब देखिए, एक तरह का और कंप्यूटर बनता है, यानी आप अगर और रिसर्च कहीं कर रहे होंगे तो जरूर पाएंगे कि एक थर्ड कंप्यूटर आता है, जिसको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, वो कंप्यूटर जो कि डिजिटल और एनालॉग से मिलके बना हो। जनरली ये मेडिकल में आपको मिलेगा, मेडिकल में आपका एक्सरे मशीन हो गया, सीटी स्कैन हो गया, तो आप देखते हैं कि एक्सरे मशीन, एक्सरे जो है वो हड्डी को स्कैन करती है और वो स्कैन हमारे कंप्यूटर में दिखाई देता है, उसकी इमेज बन जाती है। तो ये जो एनालॉग यानी एक्सरे और डिजिटल कंप्यूटर का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर।
तो तीन कंप्यूटर होते हैं आपके, पहला होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है आपका डिजिटल, और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक और बन गया जिसको कहते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर। अब देखिए हमें पढ़ना है डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, यानी डिजिटल कंप्यूटर हमें देखना है। अब डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो कि 01 के फॉर्मेट में काम करते हैं, और इनकी कैटेगरी है वैसे ये काम कैसे करते हैं आप हम मैंने आपको बताया है पिछले ट्यूटोरियल में, आप देखेंगे कि एनाटॉमी बताया है, यानी कंप्यूटर की संरचना बताई गई है। एनाटॉमी में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर क्या करता है, यानी जितने भी डिजिटल कंप्यूटर है आपका, ये मोबाइल भी है आपका, लैपटॉप भी है आपका, डेस्कटॉप भी है आपका, टैबलेट पीसी है, ये सारे के सारे जो है एक ही फॉर्मेट में काम करते हैं, सबकी वर्क सबका वर्किंग प्रोसेस एक ही है, चाहे वो कंप्यूटर कहीं भी लगा है सबका वर्किंग प्रोसेस एक है, एक ही तरीके से काम करते हैं। जैसे कि वो आपका कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है, इनपुट मतलब कि कोई भी आप इनपुट दो, यानी टच स्क्रीन आप चला रहे हैं और आपने स्क्रीन पे क्लिक कर दिया, दैट इज कॉल्ड इनपुट। तो कोई भी कंप्यूटर आपका इनपुट लेता है, आप अपने लैपटॉप में जाते हैं सबसे पहले पावर बटन दबाते हैं तो उसको पावर देना, दैट इज कॉल्ड इनपुट। तो इनपुट करता है, इनपुट करने के बाद से वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस का मतलब होता है कंप्यूटर में चलना, जो भी चल रहा है, आपने 2+2 किया दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, यानी उसने प्रोसेस किया है। तो कंप्यूटर इनपुट लेता है फिर प्रोसेस करता है, प्रोसेस लेने के बाद से वो आउटपुट दे देता है, प्रोसेस के बाद से आउटपुट मतलब होता है रिजल्ट, यानी आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हो तो माइक क्या कर रहा है, माइक आप स्पीकर आपको सुना रहा है मेरे लेक्चर्स को, तो वो स्पीकर क्या है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो जो भी रिजल्ट दे वो आउटपुट डिवाइस है। इतना आपने कर लिया, हो सकता है कि आपको वो चीज़, वो जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसको सेव करने की जरूरत पड़े, तो आप सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हो स्टोरेज डिवाइस। तो हमारे कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इनपुट का, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है या स्टोर कर लेता है। इस एनाटॉमी पे सारे कंप्यूटर काम करते हैं, सारे डिजिटल कंप्यूटर काम करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर में सारे मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि और भी टाइप, मतलब डिजिटल कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप्स होते होंगे। हाँ, डिजिटल कंप्यूटर के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले होता है माइक्रो कंप्यूटर, ये है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि ये सबसे छोटा कंप्यूटर है जिसे हम अपने ऑफिस में, अपने घर पे, लैपटॉप डेस्कटॉप जिसे आप बोल रहे हो, जिसे काम कर रहे हो, वो हमारा क्या है, तो ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, यानी सबसे छोटा कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद जो कंप्यूटर आता है वो होता है आपका मिनी कंप्यूटर, नाम मिनी है तो माइक्रो से बड़ा है, तो मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर जो है वो सर्वर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है और माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंप्यूटर है वो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी माइक्रो से बड़ा होता है मिनी, मिनी से बड़ा होता है मेन फ्रेम, जो कि बड़े बड़े वर्क स्टेशन पे लगता है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, यानी सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंप्यूटर है, जो कि इंडिया में भी है और उसका नाम है परम। तो परम जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंप्यूटर कहलाता है, यानी हमारे इंडिया में भी सुपर कंप्यूटर है जो कि चेन्नई में है, पुणे में है। तो ये जो है क्वेश्चन से में पूछता है कि कौन सा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, तो ये चारों कंप्यूटर, यानी कि आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, सबकी एनाटॉमी एक जैसे होती है, सारे की सारे की वर्किंग एक जैसी होती है। अब आते हैं कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में। तो कंप्यूटर को बनाने वाले, कंप्यूटर के जो फादर थे, वैसे कंप्यूटर तो 500 समथिंग ईसा पूर्व से ही कंप्यूटर है, उस समय अबेकस ने एक डिवाइस बनाया था, वो डिवाइस आपको टॉयज की शॉप पे भी मिल जाएगा, जो कि ऐसे छल्ले से बना था, इसे अबेकस कहते हैं। ये लकड़ी का था और इसके थ्रू भी काउंटिंग हम करते थे। तो ये वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर था, लेकिन ये एक एनालॉग कंप्यूटर है, इसमें आप छल्ले इधर उधर घुमाओगे तो आप काउंटिंग कर सकते हो, 2+2, 2-2, आप काउंटिंग आसानी से कर सकते हो। लेकिन आप जो है डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले कौन लेके आया, तो हमारे चार्ल्स बैबेज साहब जो है वो डिजिटल कंप्यूटर लेके आए, जिसका नाम है एनालिटिक इंजन, यानी वो एनालिटिक इंजन लेके आए थे। बाकी सारे मेजर चेंजेस आए और चेंजेस आते गए, और आज आपके सामने जो कंप्यूटर है
वो अवेलेबल है। तो ये मेजर जो चेंजेज आए उनको अलग अलग जनरेशन में रखा गया, यानी हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर जनरेशन। तो कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है ये जानना है। तो कंप्यूटर में कुल 5 जनरेशन होते हैं। शुरुआत में जब कंप्यूटर को बनाया गया तो सबसे पहले कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया वैक्यूम ट्यूब्स का। ये था फर्स्ट जनरेशन का दौरान। इसके बाद से आगे जनरेशन बढ़ा और मेजर चेंजेज आए तो उस समय फिर आया ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर का जमाना आ गया और कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से हट के और ट्रांजिस्टर पे आ गया, यानी कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई और वो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने लगा। उसके बाद से ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करने के लिए आया हमारे पास आईसी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी आया, आईसी आने के बाद से कंप्यूटर की साइज और छोटी हो गई, वर्किंग प्रोसेस ज्यादा बड़ा हो गया, यानी वर्किंग जो है उसकी कैपेसिटी ज्यादा बड़ी हो गई। तो फर्स्ट जनरेशन में आपका आया वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए और थर्ड जनरेशन में आया आपका आईसी आया। फोर्थ जनरेशन जो आया उसमें कंप्यूटर में मेजर चेंजेज आए और सबसे बड़ी चीज बनी माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उस समय वो चिप बनाया गया सीपीयू, जिससे अभी भी हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो यानी फोर्थ जनरेशन अभी तक चल रहा है। बीच में एक और बड़ी चेंजेस आए जिनमें बनाया गया किसको, तो जिनमें बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी हमारे कंप्यूटर में AI भी आया। तो AI आया, दैट्स वाई फिफ्थ जनरेशन में हम AI के नाम से जानते हैं और AI का इस्तेमाल करते हैं। वैसे AI क्या होता है, AI मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है वो खुद ही इतना स्मार्ट हो गया है कि वो आपको पहचानता है, आपके फिंगर को पहचानता है, आपके फेस को डिटेक्ट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड AI। तो ये जनरेशन थी कंप्यूटर की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी AI। तो इतना सब कंप्यूटर में मेजर चेंजेस आए और ये पूरी हिस्ट्री कंप्यूटर की थी। अब इसके बाद से कंप्यूटर में होता क्या है, तो कंप्यूटर के दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कंप्यूटर में दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, तो कंप्यूटर में होता है आपका हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर बना है आपका हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है ये देखना है। तो हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर, जो फिजिकल कंपोनेंट आप टच कर सको और जिसे देख सको वो है हार्डवेयर, यानी ये बोर्ड जो है वो हार्डवेयर है, मेरे हाथ में ये मार्कर है वो हार्डवेयर है, जो भी आप कंपोनेंट छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर मतलब कि कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। दूसरा होता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में मैंने देखा है, एक बार मैं बैठा था और एक सर पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर जिसे हम छू ना सके, यानी बहुत सॉफ्ट होता है उसे छू नहीं पाते हैं, दैट्स व्हाई उन्होंने धुआं को भी बता दिया कि वो एक सॉफ्टवेयर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर मतलब होता है कंप्यूटर में करंट का होना, यानी कंप्यूटर में जो करंट चल रहा है, जो कि 01 के फॉर्मेट में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी यही 01, देखिए आपके कंप्यूटर पर ए लिखा हुआ है, 01 का सेट है, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। आप बोलते हो कि मेरे पास मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, मोबाइल के सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, तो कैमरे का यूज किया गया है, माइक का यूज किया गया है, स्पीकर का यूज किया गया है, एंड सो ऑन, बहुत सारे चीजों का यूज किया गया है और आप इनका कॉम्बिनेशन एक साथ मिला के रख दिया गया, तो आप कह रहे हैं कि ये हमारा मोबाइल का सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर मतलब कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अगले लेक्चर में अच्छे से डिफाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।